हरे कृष्णा फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्रोनी पास्ता। और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, व्हाइट सॉस पास्ता भी कहते हैं इसे। तो अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें डाल रही हूँ 2 गिलास पानी। फ्लेम जो है इस टाइम फुल रखनी है हमें। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा नमक और साथ में मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल। अब अच्छे से एक उबाल आने देंगे। अब इसके अंदर मैं मैक्रोनी डाल दूँगी। और मैं इसको अब ढक दूंगी हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखिए एक अच्छा सा उबाल आ चुका है। एक बार हम चेक कर लेते हैं मैक्रोनी आपस में चिपक तो नहीं रही है। अब हम एक साइड में कढ़ाई में इसका पेस्ट बनाएंगे। तो 2 चम्मच ले लिया बटर और 1 बड़ा चम्मच लिया मैदा। अब इसको हम लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा। इसको भी 3 से 4 मिनट लगते हैं भुनने में, तो लो फ्लेम पे ही भुनना है इसे। एक साइड हमारी मैक्रोनी है जो बॉयल हो चुकी है, इसको हम अलग से सेपरेट छन्नी में निकाल लेंगे। इसे मैं थोड़ा सा ऊपर से पानी डाल रही हूँ ताकि ओवर कुकिंग ना हो, ज़्यादा गले नहीं। अब ये देखिए हमारा मैदा भुन चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। फ्लेम जो इस टाइम मीडियम कर रखी है मैंने। दूध जो है इस टाइम मैं 1 गिलास के करीब डाल रही हूँ। अब इसे हम कंटिन्यू चलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े, तो कंटिन्यू चलाना है हमें। और ये देखिए हमारा जो दूध है कितने अच्छे से हमारा ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार। आधा चम्मच डाला है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पाउडर। 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ ऑर्गेनो। और आधा चम्मच डाला है मैंने चिली फ्लेक्स। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने थोड़ी सी वेजेस को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, जैसे स्वीट कॉर्न और कैप्सिकम और अनियन और थोड़ा सा गार्लिक डाल लिया था। इसको मैंने एक साइड में फ्राई करके पहले ही रख लिया था, तो हम इसको भी ऐड कर लेंगे इसमें। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसको हम कंटिन्यू चलाएंगे, इसको 1-2 मिनट के लिए चलाना है। और जो हमने मैक्रोनी उबाल रखी थी अब वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हमारी मैक्रोनी जो है अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें 1 कटोरी चीज डाल देंगे। बच्चों को चीज बहुत पसंद आता है, तो हम इसके ऊपर चीज डाल देंगे। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमारा पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता रेडी हो चुका है बिल्कुल अच्छी तरह से। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। ये देखिए हमारा पास्ता जो है रेडी हो चुका है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ये इंजॉय कीजिए। ओके, बाय।